चंदौली से सांसद और फिर से एक बार टिकट पाने वाले महेंद्रनाथ पांडे जी हमारे साथ हैं। महेंद्रनाथ पांडे जी, आप सबसे वरिष्ठ नेताओं में हैं और चंदौली से फिर से एक बार चुनावी मैदान में आप हैं। ऐसे में इस बार क्या मुद्दे होंगे चुनाव में और जनता किस आधार पर आपको वोट करेगी? देखिए, चंदौली में पिछले 10 वर्षों में माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से और उत्तर प्रदेश सरकार के अगुआ माननीय योगी जी के सहयोग से मैंने विकास के काम चंदौली की 5 विधानसभाओं में किए हैं और हर क्षेत्र में किया है। चिकित्सा के क्षेत्र में किया है, सड़कों के क्षेत्र में किया, सिंचाई के क्षेत्र में किया, बिजली के क्षेत्र में किया है और नगरीय सुविधाओं को बेहतर करने के लिए किया है। और आम जनता को जो केंद्र और राज्य सरकार के लाभकारी योजनाएँ हैं उसको जन जन तक पहुँचाने का काम किया है। चंदौली आकांक्षी जनपद था, उस आकांक्षी जनपद के पैरामीटर पर उत्तर देश के 117 जिलों में चंदौली को 4थे स्थान पर पहुंचाने का काम किया है। तो जनता आज देश में मोदी जी का शासन बड़े पैमाने पर पूरे देश में चाहती है और योगी जी का सुशासन राज्य में बना रहे इसके प्रति भी अपना समर्थन हमेशा व्यक्त करती है और मेरी सेवाएँ, क्योंकि लोकसभा चुनाव है, सियासत इस समय बहुत तेज है। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद आप ही के एनडीए से जुड़े हुए सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि मुख्तार अंसारी जो थे वो मसीहा थे, उसी सुभाषपा से अब्बास अंसारी विधायक हैं, तो क्या एनडीए में अब्बास अंसारी को भी शामिल माना जाए? अब ये सब विषय कोई विषय प्रासंगिक नहीं है। वो ये इसके अलावा वो अब वो मौत हो गई उनकी, वो एक किस रूप में को ख्यात थे, विख्यात थे, मीडिया और सारा समाज जानता है। पूर्वांचल में जो सीट्स है इस बार क्या समीकरण बनने वाले हैं, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि सियासत बहुत तेज हो रही है, मुख्तार अंसारी की मौत के बाद उसके घर पहुंचते हैं ओवैसी पहुंच जाते हैं, समाजवादी पार्टी के सारे नेता पहुंच जाते हैं और कहा जाता है कि पूर्वांचल की जो सीट है गाजीपुर से घोसी से लेकर जौनपुर आजमगढ़, इन सीटों पर खास फर्क आने वाला है। आपको मालूम है गाजीपुर का रहने वाला हूँ, आपको मालूम है मैं सैदपुर जैसे जगह से कई बार एमएलए रहा हूँ और आज चंदौली बनारस से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। मैं अब आपको बता रहा हूँ जमीनी हकीकत, जनता इस बार इतना वोट देगी कि इन अपराधियों की राजनीति को इतना धक्का दे दो कि ये कभी पनप ही नहीं पाए, इतना बड़ा जनमत मिलने वाला है। इस बात से आप पूरी तरह से आश्वस्त एकदम, आप 4 जून को रिकॉर्ड देख लीजिएगा। तो महेंद्रनाथ पांडे जो काफी वरिष्ठ नेता है, छात्र राजनीति से लेकर के आज सांसद मंत्री तक हैं, वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि किसी बात पर कोई असर नहीं होगा और मोदी के इस विकास लहर में सब कुछ सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के पक्ष में दिखाई देगा। चंदौली से सांसद और फिर से एक बार टिकट पाने वाले महेंद्रनाथ पांडे जी हमारे साथ हैं। महेंद्रनाथ पांडे जी, आप सबसे वरिष्ठ नेताओं में हैं और चंदौली से फिर से एक बार चुनावी मैदान में आप हैं। ऐसे में इस बार क्या मुद्दे होंगे चुनाव में और जनता किस आधार पर आपको वोट करेगी? देखिए, चंदौली में पिछले 10 वर्षों में माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से और उत्तर प्रदेश सरकार के अगुआ माननीय योगी जी के सहयोग से मैंने विकास के काम चंदौली की 5 विधानसभाओं में किए हैं और हर क्षेत्र में किया है, चिकित्सा के क्षेत्र में किया है, सड़कों के क्षेत्र में किया, सिंचाई के क्षेत्र में किया, बिजली के क्षेत्र में किया है और नगरीय सुविधाओं को बेहतर करने के लिए किया है। और आम जनता को जो केंद्र और राज्य सरकार के लाभकारी योजनाएं हैं उसको जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। चंदौली आकांक्षी जनपद था, उस आकांक्षी जनपद के पैरामीटर पर उत्तर देश के 117 जिलों में चंदौली को 4थे स्थान पर पहुंचाने का काम किया है। तो जनता आज देश में मोदी जी का शासन बड़े पैमाने पर पूरे देश में चाहती है और योगी जी का सुशासन राज्य में बना रहे इसके प्रति भी अपना समर्थन हमेशा व्यक्त करती है और मेरी सेवाएं, क्योंकि लोकसभा चुनाव है, सियासत इस समय बहुत तेज है। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद आप ही के एनडीए से जुड़े हुए सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि मुख्तार अंसारी जो थे वो मसीहा थे, उसी सुभाषपा से अब्बास अंसारी विधायक हैं, तो क्या एनडीए में अब्बास अंसारी को भी शामिल माना जाए? अब ये सब विषय कोई विषय प्रासंगिक नहीं है। वो ये इसके अलावा वो अब वो मौत हो गई उनकी, वो एक किस रूप में को ख्यात थे, विख्यात थे, मीडिया और सारा समाज जानता है। पूर्वांचल में जो सीट्स है इस बार क्या समीकरण बनने वाले हैं, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि सियासत बहुत तेज हो रही है, मुख्तार अंसारी की मौत के बाद
उसके घर पहुंचते हैं, ओवैसी पहुंच जाते हैं, समाजवादी पार्टी के सारे नेता पहुंच जाते हैं। और कहा जाता है कि पूर्वांचल की जो सीट है गाजीपुर से घोसी से लेकर जौनपुर आजमगढ़, इन सीटों पर खास फर्क आने वाला है। आपको मालूम है गाजीपुर का रहने वाला हूँ, आपको मालूम है मैं सैदपुर जैसे जगह से कई बार एमएलए रहा हूँ और आज चंदौली बनारस से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। मैं अब आपको बता रहा हूँ जमीनी हकीकत, जनता इस बार इतना वोट देगी कि इन अपराधियों की राजनीति को इतना धक्का दे दो कि ये कभी पनप ही नहीं पाए, इतना बड़ा जनमत मिलने वाला है। इस बात से आप पूरी तरह से आश्वस्त एकदम, आप 4 जून को रिकॉर्ड देख लीजिएगा। तो महेंद्र पांडे जो काफी वरिष्ठ नेता है, छात्र राजनीति से लेकर के आज सांसद मंत्री तक हैं, वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि किसी बात पर कोई असर नहीं होगा और मोदी के इस विकास लहर में सब कुछ सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के पक्ष में दिखाई देगा। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, वाराणसी।